It's a traditional dress. It's a traditional dress. Oh, yeah. It's beautiful. Looking beautiful, both of you. Yeah, bhai, dekho Thailand ka Grand Palace. काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है भाई, पूरा बैंकॉक सिटी नाप दिया हमने, वहाँ से स्टार्ट किया था पीछे से इधर की तरफ आ गए मैन सिटी की तरफ जो है। तो ये है भाई थाईलैंड का सबसे बड़ा आईफोन स्टोर, ऊपर आ गए हम थोड़ा सा। भाई खाने के मामले तो हालत ख़राब है यहाँ पर, अगर वेजिटेरियन हो प्योर तो भूखे मरोगे हमेशा। ओए होए भाई ये देखो बोट यार, पायरेट ऑफ द कैरिबियन वाली। हेलो नमस्कार दोस्तों, अनादर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाइयों आज काफ़ी अच्छा दिन होने वाला है, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पास में पड़ता है, वहाँ से बोट पकड़ेंगे और पूरा बैंकॉक की राइड करते हुए जाना है आइकॉनसियम। आइकॉनसियम क्या है, मॉल है यहाँ का, थाईलैंड का सबसे बड़ा मॉल जो कि रिवर फ्रंट के साइड में है, वो बहुत ही अमेजिंग है यार, बहुत ही ज़बरदस्त है। और थाईलैंड का सबसे बड़ा एप्पल स्टोर भी वहीं पर है, वो भी दिखाऊँगा आपको। फिर उसके बाद वहाँ पर एक शामोंग में तमिल टेंपल पड़ता है, मतलब तमिलनाडु की पूरी स्कल्पचर वगैरह बने हुए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है, वो भी वहाँ चलेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे एशियाटिक, एशियाटिक वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर ही पड़ता है, तो वहाँ भी मज़ा आने वाला है। और दो भाई मिले हैं, एक हरियाणा का भाई है, एक वहाँ का है शायद नैनीताल का शायद भाई, तो उन दोनों भाई के साथ चलेंगे, चलते हैं लेट्स गो। ये हॉस्टल भाई का, ये भाई, भाई का नाम नहीं बताया, क्या नाम है भाई? नाम है सुमित। और कहाँ से? नैनीताल से। हाँ तो भाई कहाँ जाने का प्लान है भाई? तो ये बोटिंग क्लब है भाई, चाओ फ्या टूरिस्ट बोट, ये प्लेसेस घुमाएंगे इधर, इससे 50 baht समथिंग की है पर सिंगल पर्सन की, सिंगल बंदे की 50 baht है, सिंगल बंदा 30 baht सिंगल रूट, अच्छा राउंड ट्रिप 60। अच्छा उधर छोड़ देगा तो फुल डे घूमना, 150 baht। ओके चलो चलते हैं। इट्स अ ट्रेडिशनल ड्रेस, इट्स अ ट्रेडिशनल ड्रेस, इट्स ब्यूटीफुल, लुकिंग ब्यूटीफुल बोथ ऑफ यू। तो भाई 30 baht की टिकट ले ली है अपने, और ये अपना रेड चिली और ग्रीन चिली दिखा रहे हैं। चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कैसी है फ्लोटिंग, ये मतलब इधर की साइड में कैसे दिखता है रिवर साइड से, वो भी एक्सप्लोर करते हैं। फिर उधर से ही अपना मंदिर वगैरह चलेंगे या फ्लोटिंग मार्केट जो भी पास पड़ेगा उधर ही चलेंगे। अभी हमने ये सिंगल जर्नी, सिंगल साइड के लिए सिंगल जर्नी, क्योंकि यहाँ से हम उधर जाएंगे। गर्मी है ऊपर से भाई, यहाँ कुछ भी नहीं है, छाता वगैरह जिससे थोड़ा सा हाइड भी कर सकें, पर ठीक है थोड़ा देर तो सहन कर लेंगे जितनी भी देर होगी। मज़ा आ रहा है यार, काफ़ी ज़बरदस्त है ना, एक नंबर मज़ा तो आ रहा है। थोड़ी हवा भी लग रही है, जैसे खड़ी हो जाती है ना वहाँ तो गर्मी लगती है, बाकी जब चलती है तो ज़बरदस्त रहता है, ठंडी ठंडी हवा आती है, ठंडी हवा लगती है ना, खड़े होने पे तप जाते भाई, खड़े होने पे तप जाते गर्मी में, जैसे अंडा उबल रहा हो। ये भाई देखो थाईलैंड का ग्रैंड पैलेस,
तो जो महाराजा है यहाँ के वो यही इसी में रहते हैं भाई, महाराजा इसी में रहते हैं, जो थाईलैंड के महाराजा राजा है। ये अरुण भगवान का है जो गरुण के भाई हैं। अच्छा, ये भाई अरुण भगवान का मंदिर है जो गरुण देवता के भाई थे। नाइस। काफी जबरदस्त एक्सपीरियंस है भाई, पूरा बैंकॉक सिटी नाप दिया हमने, वहाँ से स्टार्ट किया था पीछे से इधर की तरफ आ गए मेन सिटी की तरफ जो है, काफी जबरदस्त है स्काई स्क्रैपर्स है इधर। ราชินีสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือเตรียมตัวรอเย้ भाई इसका नाम है बैंकॉक रिवर पार्क जो कि इस टाइम पे सबसे ऊंची बिल्डिंग है। बाकी इधर इसका स्काईस्कैपर्स आ गया काफी Please mind the gap between the boat and the pier। तो भाई अपना स्टॉप आ गया आइकॉन सिया पे उतर रहे हम। काफ़ी ज़बरदस्त राइड रही भाई, बहुत ही ज़बरदस्त यार, इतना अमेजिंग, इतना एक्सपीरियंस रहा, मतलब इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा भाई, क्या बताऊँ। पूरा सिटी नाप दिया हमने बैंकॉक यार, सारे स्काई स्कैपर्स और राजा का महल सारा कुछ देख लिया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। अंदर चलते हैं भाई, अब ब्यूटिफुल खतरनाक जगह है भाई ये एक नंबर जगह है। अरे वाह भाई, सब पसीना सूख जाएगा, इतनी गर्मी हो रही है बाहर, बॉइल्ड हो गए यार, आलू की तरह उबल रहे हैं बहुत ज़्यादा। अंदर हवा चल रही है बहुत ही ज़बरदस्त, ठंडी ठंडी हवा, अंदर मज़े लेते हैं। ओए होए, ये देखो भाई जन्नत है भाई जन्नत, अपना बेंगलोर, इस बेंगलोर वाला अपना बेंगलोर वाला एयरपोर्ट नहीं है, बेंगलोर वाला एयरपोर्ट भी ऐसे सजा रखा है बिल्कुल अभी इस टाइम पे। इधर है भाई ये जम्बो सी फूड, और इधर ये है कॉफ़ी बीन्स वाइट डाओ, बहुत ही बढ़िया। पूरा यार बेंगलोर वाला एयरपोर्ट जो है ना वैसे ही सजा रखा है भाई साहब, ब्यूटीफुल 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 सुक्षियाम। बहुत ही खूबसूरत है यार, हालत ख़राब हो गई यार, बाहर उबल गए बिल्कुल, इतनी गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यार, पूरा बॉइल्ड हो गए। अभी अंदर आए हैं, यहाँ थोड़ा एसी चल रहा है, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। बाकी यार डेकोरेशन काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ की, ऐसा लग रहा है जैसे बेंगलोर एयरपोर्ट नहीं है अपना, बेंगलोर एयरपोर्ट जैसी फील आ रही है बिल्कुल, बेंगलोर एयरपोर्ट भी ऐसे ही सजा रखा है इस टाइम पर। बोलिए देखो भाई, ब्यूटीफुल 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 अमेजिंग। ये है भाई मार्केट, ये क्या है पोर्क फ्लॉस, शुगर का है ये अचार, शुगर का अचार, मछली का अचार, सब चीज़ का अचार मिलेंगे यहाँ पर। इधर ये हो गया फ्रूट्स, ये तुम्हारा तरबूज हो गया, ये आम हो गया। इधर देखो भाई एवरी एप्पल 169 बात, मतलब 160 170 बात का एक है यहाँ पर पीस। आगे चलते हैं, ये आगे भाई फर्स्ट फ्लोर पर आ गया अभी COS, और ये क्या है टॉरी वॉच, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बॉस। ये देखो भाई ये है मॉल यार क्या जबरदस्त मॉल बनाया है भाई साहब, भाई मॉल ही है ना ये कुछ और है, पैलेस भी इतना सुंदर नहीं होगा भाई, भाई साहब क्या जबरदस्त बना रखा है यार, ब्यूटीफुल बहुत ही खूबसूरत है यार। ये भाई 7-11 आ गया, यहाँ से कुछ लेते हैं खाने के लिए या पीने के लिए,
इधर है भाई कुछ कुछ आइटम, पर हर किसी में पोर्क वोर्क यार मिला ही रहता है। बाकी देखते हैं, भाई बता रहा है बैज में मिल जाता है। क्या है बैज में भाई, वो देखते हैं। वो तो राइस मिलेंगे यार बस। क्या है ये दो चीजें है, है क्या ये? इसमें इसमें आपका बीन की सब्जी। अच्छा, और इसमें आपका मशरूम वगैरह का रहता है, दो चीजें यही ले लेते हैं फिर। मशरूम वशरूम यहाँ पे कम है। अच्छा, जैसे यहाँ पे सूप वगैरह भी रहता है वेजिटेरियन, तो यही ले लेते हैं। ये बनाया साइन येलो में, वो रहता है वेजिटेरियन फूड। ये साइन है, देखो कौन सा, ये जो साइन है ये वेजिटेरियन का साइन है। अच्छा, ये जो आई वी टाइप का बना हुआ ना येलो में, ये वेजिटेरियन का साइन है। ठीक है, फिर यही ले लेते हैं। मशरूम और वो है ना इसमें, इसमें बीन वाला है ये। अच्छा, मतलब बीन है और भी कुछ है, चीजें हैं। अच्छा अच्छा, चलो ये लेते हैं भाई, दोनों कराते हैं। ठीक है, और कुछ लेना है? यहाँ पे आप देख सकते हैं लोधी भाई साहब को खाना खाते हुए। ये थोड़ी सी बीन्स है और पता नहीं क्या डाल दिया, दाल टाइप का और राइस है। मतलब इतना छोटा सा, 40 बात हो गया आपके, 80-100 रुपये के आसपास का है पूरा। और ये तो भाई बिल्कुल कफ सीरप है। बहुत टेस्ट खराब है इसका, और अच्छा है, एनर्जी देगा। और ये एनर्जी इंडिकेटर चाय, ये कॉफी, चाय ली है, चाय कॉफी, चाय पंजाबात की कॉफी है। और ये नूडल्स है, नूडल्स 25 बात। तो ये है भाई थाईलैंड का सबसे बड़ा आईफोन स्टोर। ऊपर आ गए हम थोड़ा सा, यहाँ मिलते हैं भाई। कितने का है प्रो मैक्स, कितना बताया? 15,000 5 वाट। ये 15,000 का, वो 15,000 5 वाट। बहुत बढ़िया भाई, ये भाई आईपैड एयर। ये भाई 23,900 वाट 64 GB और 256 GB है 29,900 वाट। 29,900 वाट अगर अराउंड पड़ता है, ये तेरा 85,000 के आसपास पड़ता है ना, 80,000 के आसपास का। सही है, पूरा मॉल घूम लिया भाई, काफ़ी ज़बरदस्त मॉल है यार, एकदम लग्जरी। और आईफोन स्टोर वगैरह दिखाया आपको, काफ़ी मज़ा आया है यहाँ पर। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, एशिया टिक गार्डन है शायद, तो वहाँ चलते हैं। यही है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त है भाई बैंकॉक, ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया भाई कसम से यार। अभी टिकट ली है भाई, 8 बाद की एक टिकट मिली है, 8 बाद भी पास में ही है जहाँ जाना हमें। एशिया टिक यहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास है, टिकट काउंटर पीछे है, 8 बाद की है और बोट आने वाली है, फिर चलेंगे अभी। भाई दूसरे 7-Eleven में आ गए इधर, ये पानी की बोतल लिया, प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा। भाई ले रहा है फेंटा जो कि है 30 बात की, आइस वगैरह भी है, और भर ले भाई, फुल भर ले। और इधर ये दूध वगैरह सारा, पानी की बोतल लेते हैं अपना। तो भाई प्लेन नूडल खाने के लिए भी पता नहीं क्या क्या डालना पड़ेगा। ये देखो यार क्या क्या चीज़ है, मसाले डालने पड़ेंगे। क्या प्याज है? अच्छा, वो है प्याज व्याज, गाजर वाजर सारा कुछ चीज़ है। तीनों लिया है भाई नूडल्स वगैरह। भाई खाने के मामले तो हालत ख़राब है यहाँ पर, अगर वेजिटेरियन हो प्योर तो भूखे मरोगे हमेशा। नूडल्स इतने घटिया थे भाई, बिल्कुल घटिया नूडल यार, बिल्कुल पतंजलि का भी बढ़िया होगा भाई, इतना घटिया था। तो ये सातन की मार्केट है इधर, और अभी जा रहे हम एक तमिलनाडु का प्रसिद्ध टेम्पल है यहाँ पर, तो वो चलते हैं भाई। साउथ इंडियन टेम्पल है, उधर दर्शन करते हैं। तो भाई फाइनली पहुंच गए यार, 1 किलोमीटर वॉक करने के बाद। ये सामने है मंदिर अपना, ये है। अंदर चलते हैं भाई, टेम्पल में दर्शन करते हैं।
अभी भाई आरती स्टार्ट हो रही है, आरती स्टार्ट हो गई है, वीडियो वगैरह अलाउड नहीं है। ये है नाम भाई, हम 4:30 बजे आए थे, 5 बजे आरती सिलोनी एरिया पड़ता है। देखिए हमने पहले माता जी की आरती हुई, फिर गणपति बप्पा, फिर भोले बाबा की और कार्तिक भगवान की, और साइड में काफ़ी मूर्तियां हैं, जैसे अपने राम जी वगैरह हैं, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, गणपति बाबा, सभी भगवान हैं। ये था भाई साउथ इंडियन टेम्पल, अब चलते हैं यहाँ से एशियाटिक के लिए। तो भाई अपनी 15 नंबर बस आ गई एशियाटिक के लिए, ये जाएगी एशियाटिक, 8 बाद की टिकट है एशियाटिक की, और ये हालत है थोड़ा सा। तो भाई बैंकॉक के एशियाटिक में आपका स्वागत है। समुद्र थाई मसाज, फिश स्पा। फिश स्पा तो मैंने आपको गोवा वाली वीडियो में दिखाया था। फिश स्पा क्या होता है, एक टैंक में फिश होती है काफ़ी सारी, उसमें पैर डालो, मछलियाँ आती है तुम्हारे पैर से सारा मतलब उतार देती है, पूरा पैर खाती है वो, धीरे 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 जितनी भी गंदगी होती है वो सारी साफ़ कर देती है मछलियाँ। आगे चलते हैं, रेस्टरूम, कार पार्किंग, टाउन स्क्वायर, डिस्ट्रिक्ट इधर। ये देखो भाई इधर आगे, इसलिए फेमस है ज़्यादा ये एशियाटिक। ये देखो भाई बहुत बड़ा चरक है, ये चरक ही बोलते हैं ना इसको, चरखा बोलते हैं, चरक झूला, सबसे बड़ा झूला है इधर का। बहुत वो देखते हैं एक बार चल के आगे। 50 बाद एडमिशन, 500 बाद टिकट प्राइस, 200 बाद फॉर चिल्ड्रेन, हैंडीकैप्ट के लिए 250 बाद, VIP पैकेज 5000 बाद। यार बहुत महंगा है ये तो बहन, 500 बाद का है यार वो तो है, पर 500 बाद भी नहीं होते क्या भाई, 1500 रुपये कौन खर्च करेगा, 1200-1500 रुपये, हमारे वहाँ 60 रुपये में हो जाता है काम। 1500 मतलब भाई 500 बाद का हो गया आपका, 5 × 1000 और 3200 के 32 पैसे के लगा लो, बताएं कितना होता है, मतलब 1200 के आसपास हो गया, 1200-1300 रुपये कौन खर्च करेगा भाई इसके चक्कर में 1200-1300 रुपये। हमारे वहाँ पर यार इंडिया में 60 रुपये में हो जाता है, 60 रुपये से स्टार्ट होती है, 60 है 100 है 150 है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 होगी, 200 से ज़्यादा तो नहीं होगी यार भाई। ओए होए भाई ये देखो बोट यार, पायरेट ऑफ द कैरिबियन वाली बहुत ही ज़बरदस्त, जैक स्पैरो की बोट यहाँ पर लगी हुई है। ये देखो भाई क्या शानदार बोट है, ब्यूटीफुल। सॉरी देख रहे हो भाई काफ़ी ज़बरदस्त वाइब है यार यहाँ का, रिवर फ्रंट के साइड में और सामने कैफे वगैरह हैं। ये है भाई काफ़ी ज़बरदस्त बोट है यार, मन तो कर रहा है राइड करें, इस पे जाना ज़रूरी है, पर क्या करें भाई बजट नहीं है इतना। और इधर ये सामने है द एशियाटिक रिवर फ्रंट क्लब बार, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। ये देखो भाई इधर का सिटिंग एरिया है, और जबरदस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी, ब्यूटीफुल। ये आ गया द रिवर फ्रंट डेस्टिनेशन एशियाटिक। बाकी यार सर्कस जो है ना वो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, हो सकता है भाई यहाँ पे 500 बाद ज़्यादा नहीं है शायद, अगर लोगों को एंजॉय करना है तो। बाकी है ओए होए 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 यार, ये दिखाता हूँ आपको सनसेट देखो भाई साहब, ये देखो भाई सनसेट क्या ज़बरदस्त हो रहा है यार इधर से, ब्यूटीफुल। भाई थाईलैंड बैंकॉक में हो ना तो इधर एशियाटिक तो आना बनता है यार,
एक बार जरूर आओ एशियाटिक में, काफ़ी ज़बरदस्त है, मज़ा आएगा आपको भाई। ब्यूटीफुल और सनसेट तो बहुत ही शानदार है यार। ये देखो भाई इधर, ये प्राइवेट एरिया है, सनसेट हो गया है, थोड़ा सा रह रहा है उधर, वो देखिए भाई। नाइस। तो यहाँ पर भाई हिस्ट्री लिखी हुई है, 1801 से ये स्टार्ट हुआ था, और इंट्रोडक्शन वगैरह लिख रखा है, बंदा खड़ा हुआ है यार, नहीं तो पढ़ने में आता। फिर 1884 में थोड़ा बोट्स वगैरह आई, फिर आगे चलते 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 फिर आ गया 1907, थोड़ा सा इतना डेवलप हुआ। फिर आ गया 1941 जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर का ऐसे था। फिर आ गया 2012 में बना दिया एशियाटिक द रिवर फ्रंट। ये कूल। तो यही था भाइयों एशियाटिक, काफ़ी देर हो गया घूमते घूमते इधर, काफ़ी मज़ा आया यार यहाँ पर, काफ़ी ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छी वाइब है यार, सच में यार। सनसेट तो यहाँ का काफ़ी ही ज़बरदस्त है, पूरे दिन कहीं भी घूमो शाम को भाई सनसेट देखने के लिए यहाँ पर आओ, बहुत ही लवली वाइब है, बढ़िया म्यूज़िक और बढ़िया सारा कुछ है, एक नंबर ज़बरदस्त। चलते हैं भाई इधर से सीधा हॉस्टल की तरफ, लेट्स गो। भाई ये है मैन सर्कल, बैंकॉक का मैन सर्कल पर आ गए, इसके पीछे खाओसान रोड है और द रॉयल पैलेस ये सामने वाला है जो राजा का अभी करंटली पैलेस है, और ये सारा मैन सेंटर एरिया है। चलते हैं यहाँ से, 1 किलोमीटर है, वॉक करके चलते हैं पैदल पैदल, लेट्स गो। तो भाई हॉस्टल आ गए हैं और ये लेके आ गए हैं चावल वगैरह खाने के लिए। तो भाई कैसा लगा, कैसा लगा भाई वीरेंद्र भाई? बढ़िया लग रहा है तो। काफ़ी ज़बरदस्त रहा दिन, बहुत मज़ा आया भाइयों के साथ घूमकर। तो भाई आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।